रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि मैट्रिक के बच्चों के साथ अक्सर औकात ये एप्लीकेशन पूछ ली जाती है, तो मैंने कहा कि ये मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। देखें, एप्लीकेशन कोई भी हो आपके पास, मेन जो उसका जो पैटर्न होता है वो यही रहता है आपके पास के सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम वगैरह आ जाता है। स्कूल का नाम तो हम मेंशन नहीं करते हैं, यही पैटर्न रहता है। जहाँ पर चेंजिंग होगी मैं बीच में आपको बता भी देता हूँ कि ये हमने एप्लीकेशन पूरा करेक्टर सर्टिफिकेट हमने लिखनी है, तो टू दी हेड मास्टर ABC स्कूल कराची, ये सब में सेम रहते हैं। सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सेड डेट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। आई अपेयर इन द SSC एग्जामिनेशन इन 2019 अंडर रोल नंबर 00001। आई पास द सेड एग्जामिनेशन इन ए ग्रेड। नाउ आई इंटेंड टू ज्वाइन अ कॉलेज। आई नीड अ करेक्टर सर्टिफिकेट, काइंडली इशू मी द सेम। थैंकिंग यू, योर ओबीडेंटली। यहाँ पे नेम आ जाता है, रोल नंबर, और लास्ट में जिस डेट को आपने जो आपका जो पेपर की जो डेट होगी वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, पूरी एप्लीकेशन आपके पास सेम रहती है, कोई भी एप्लीकेशन आपके पास आ जाए आप यहाँ से लाके सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको यहाँ से चेंज कर दीजिएगा तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। बाकी पूरी एप्लीकेशन इसी तरह सेम रहती है। मैं 3-4 और एप्लीकेशन मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। लिखी एप्लीकेशन ये लीव है, सिक लीव, ये तकरीबन तमाम क्लासेस में लिख ली जाती है, तो ये सब बच्चों के लिए तकरीबन कारामद है। इसका देखिए पैटर्न क्या होता है कि टू दी हेडमास्टर ABC स्कूल कराची, सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू स्ट्रेट डेट आई एम लेड अप विथ कॉल्ड, फीवर एंड हेडेक, सो आई एम अनएबल टू अटेंड फॉर स्कूल टूडेज। यू आर देयर फॉर requested to grant me leave for absence for 3 days with effect from, फिर जिस तारीख जो तारीख आपने मेंशन करनी होगी नेक्स्ट डे की वो डाल दीजिएगा, फ्रॉम 25th Feb 2020। मैंने आज की डेट डाल दी। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर। योर ओबीडेंटली XYZ। यहाँ पे क्लास आपकी मेंशन हो जाएगी, जो रोल नंबर होते हैं वो मेंशन हो जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी। तो ये कंप्लीट आपके पास एक सिक एप्लीकेशन है जो कि बीमारी के हवाले से होती है। ये तकरीबन तमाम क्लासेस में एक्सेप्टेबल होती है और बोर्ड के पेपर्स के अंदर भी किसी भी बीमारी के हवाले से आ जाए। वैसे ज़्यादातर जिस तरह डेंगू वगैरह जो चल रहा होता है लाहौर वगैरह में या कराची में भी अब चल रहा है, तो ये उसके हवाले से भी आ सकती है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे हमने जो बीमारियाँ ली थी कोल्ड फीवर हेडेक वगैरह, वहाँ पे आप डेंगू या जो भी बीमारी का वो आपको कहेंगे आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह मैं 2-3 और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग जो हैं वो एप्लीकेशन कोई भी आ जाए आपके पास वो आप लोग लिख सकें।